Currently, I'm working with Ankur Variku. This is Piyush. He's edited videos for at least one of your favorite YouTubers. I did a project with Bhuvan Bam, one or two podcast project with Raj Sharma, Backstage with Millionaire, Film Companion. In this video, he broke down exactly how you can do it too. It was complete luck. मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा editor हूँ. I asked him what actually makes a video go viral. हुक सबसे अच्छा सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कि आप किस तरीके से ऑडियंस को इनिशियल मिनट्स में हुक कर लेते हो. This video was a masterclass about to learn how you can edit a video which gets a million views. Video को डायनेमिक होना चाहिए. जिस टोन में बात हो रही है वैसा बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा हो, साउंड इफेक्ट्स भी आ रहे हो, zoom in, zoom out. I'm Sanskar and you're watching Sanskar Show. तो भाई स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि वीडियो एडिटिंग सीखी कैसे आप. स्टार्टिंग से ही हर एक चीज जहाँ पे भी मैं फंसता था वहां पे यूट्यूब करता था. और हर एक छोटी से छोटी चीज कि अगर वीडियो में सब्सक्राइब वाला एनिमेशन डालना है तो वो कैसे डालना है, सर्च कर लो यूट्यूब पे. अगर तो मैंने जब स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड विद फिल्मोरा विच इज ऑल्सो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बट नॉट दैट ग्रेट. बट लाइक इट्स गुड फॉर बिगिनर्स टू लाइक यू जस्ट नो के व्हाट इज द टाइम लाइन, व्हाट इज द प्रोजेक्ट विंडो, कट्स कैसे लगाने हैं. द ओनली थिंग दैट हेल्प मी इज कि जहां भी छोटी से छोटी चीज फंसू वहां यूट्यूब कर लो एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन. तो कोर्स तो कोई भी नहीं लिया हुआ है सीखने के लिए एडिटिंग. हाँ, अब पिछले एक साल से कुछ कुछ कोर्सेस करके और इम्प्रूव करने का ट्राई करता रहता हूँ. बट स्टार्ट में सीखने के लिए मतलब कंप्लीट यूट्यूब पे फोकस होके और वहां से ही सीखा. राइट. सो फ्रॉम लर्निंग वीडियो एडिटिंग टू वर्किंग विद अंकुर वारिकु, वो सब कैसे हुआ, उस दौरान बीच में क्या हुआ, हाउ डिड यू फाइनली गेट टू वर्क विद अंकुर वारिकु? अंकुर ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई होगी कि वी आर लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर. And मेरे भैया ने he forwarded me that screenshot. That was actually a process कि 5 rounds का पूरा process था and then clear करते हुए. तो पहला round के बाद फिर mail आया कि you got selected. तो मैं कह रहे फिर दूसरे round, फिर तीसरे round, then जो उस time पे content manager थी उनके साथ one on one हुआ meeting. और फिर जब finally अंकुर के साथ one on one हुआ, in fact so this is a fun story कि मुझे नहीं पता था कि अंकुर के, तो अंकुर को 4-5 लोगों के इंटरव्यूज लेने थे. इंटरव्यूज क्या, वो काइंड ऑफ इंटरेक्शन था. एंड मुझे नहीं पता था कि मेरा होगा. तो मैंने अब मैंने सोचा अंकुर के साथ बात कर रहा हूँ तो आई जस्ट रिकॉर्डेड द एंटायर मीटिंग. क्या कि अगर नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू शो के आई लाइक आई क्लियर्ड ऑन दैट लेवल. बट लकीली उसके नेक्स्ट वीक फिर मेल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है. एंड देन टू दो लोगों का सिलेक्शन हुआ था एंड अंकुर सेठ के अभी काम आप लोगों में स्प्लिट रहेगा एक महीने के लिए एंड देन हूएवर यू नो सूट्स बेटर लाइक वो फिर आगे हायर हो जाएगा. तो मैंने बाद में सेलेक्ट होने के बाद टीम में उस टाइम जो मैनेजर थे उनको पूछा था कि कितने लोगों के एप्लीकेशन आए थे एंड कहाँ से मैं क्रॉस करके आया, वैसा बस जानने के. तो शी सेड कि अराउंड 2,200 एप्लीकेशंस आए थे जिनमें से फर्स्ट 3 राउंड में ही मोस्ट ऑफ द चंक शॉर्टलिस्ट हो गया एंड दे आर लेफ्ट विद 27-28 एप्लीकेशंस. देन एक एडिटिंग का राउंड हुआ था विच इज फोर्थ राउंड विच इज थर्ड राउंड, उसमें आधा चंक उसमें गया. देन दे आर लेफ्ट विद 11 पीपल. देन उसका कंटेंट मैनेजर के साथ वन ऑन वन हुआ. देन दे वर लेफ्ट विद 4 पीपल. देन उन 4 लोगों के साथ अंकुर का इंटरेक्शन हुआ एंड देन आई गॉट. तो इट वाज कंप्लीट लक उसमें. मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा एडिटर हूँ, सबसे बढ़िया एडिट करता हूँ, वैसा कुछ नहीं. इट वाज कंप्लीट लक कि आई फाइनली लैंडेड. अच्छा भाई, यू मेंशन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि इनिशियली एप्लीकेशंस वर अराउंड 2,200 एंड आफ्टर राउंड 3 वो कट के अराउंड 27-28 रह गए थे. तो ब्रो वीडियो एडिटर्स बहुत है आज की डेट में, बट हाउ टू गेन दैट एक्चुअल स्किल लेवल कि आप असल में किसी क्रिएटर के साथ काम कर पाओ, हाउ टू स्टैंड आउट एंड मेक योरसेल्फ अबव द रेस्ट ऑफ द क्राउड? सबसे पहली चीज तो कि एक एडिटर को लर्निंग बहुत जरूरी है और लर्निंग का सबसे अच्छा मेथड है कि एक्सपेरिमेंट करते रहो. तो हमेशा जब एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो उससे और एक्सपेरिमेंट में ऑब्वियसली फंसोगे. तो उसके लिए यूट्यूब करो और वहां से सीखो, देन वो अपने वीडियोस में इंप्लीमेंट करो. तो ये चीज मतलब मैंने बताया जैसा कि अभी अगर मैं देखता हूँ तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था और जब आज की वीडियोस देखता हूँ
अभी भी पुरानी वीडियोस देखता हूँ तो आई फील कि वो कितना मैं ग्रो हो पाया हूँ और वगैरह. राइट एग्जैक्टली तो ये वाली चीज सबसे ज्यादा जरूरी है. मैं अपने एजेंसी के लिए भी हायरिंग करता हूँ तो व्हाट आई फील लैकिंग इन मोस्ट ऑफ द एडिटर्स इज कि वो एडिटर्स आर एक्चुअली नॉट अ गुड डिजाइनर. उन मतलब दे आर एडिटर, उनको पता है टूल्स कैसे चलाने हैं, उनको पता है कट्स कैसे लगाने हैं, उनको पता है राइट ट्रांजिशंस और टेक्स्ट और ये सब कैसे लगाने हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि कौन से फॉन्ट्स आपस में अच्छे बैठेंगे, किस वाइब किस टोन ऑफ वीडियो के लिए कौन से फॉन्ट्स जरूरी हैं, कौन से कलर्स आपस में अच्छे सूट करेंगे मैच करेंगे. तो दैट आई फील इज लैगिंग. एंड एक एडिटर को इन टर्म्स में अच्छा डिजाइनर तो उसको कलर साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कौन सा फॉन्ट कहाँ फिट करेगा, क्या मूड ऑफ द क्या टोन ऑफ द वीडियो है, तो कैसा पेसिंग रखनी है, कितने फ्रीक्वेंट कट्स लगाने हैं, कितने स्लो कट्स लगाने हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल एडिटर्स और थोड़े बेटर एडिटर्स या जो अच्छे एडिटर्स होते हैं उनमें व्हाट आई फील कि डिफरेंस होता है कि अच्छे एडिटर्स की एडिटिंग बहुत पॉलिश्ड रहती है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे डिजाइन है, कैसा फील आ रहा है वीडियो का. दिस इज वेरी ट्रू यार, बहुत इंटरेस्टिंग बात मेंशन करी है आपने कि अ वीडियो एडिटर आल्सो नीड्स टू बी अ डिजाइनर. तो भाई हाउ कैन समवन जिसको बेसिक वीडियो एडिटिंग आती है, कट्स वगैरह आते हैं, How can he progress to that next level and become that designer? हमने बोला जिसके भी वीडियोस आप फॉलो करते हो उसके वीडियोस में देखो कि वो कौन से कलर्स यूज कर रहा है, उसका वीडियो किस टोन में और वो कौन से फॉन्ट्स. तो ऑब्जर्वेशन आप जितनी ज्यादा करते रहोगे उतना आपका दिमाग खुलता रहेगा, तो आपको समझ में आता रहेगा कि ठीक है तो अगर मेरा वीडियो स्लो पेस में है तो मुझे किस तरीके के सुपर्स लगाने हैं, मुझे कौन से फॉन्ट्स यूज करने हैं, मुझे कौन से कलर्स यूज करने, बहुत मेलो बहुत एम्बियंट से कलर्स यूज करने, बहुत पंची कलर्स नहीं यूज करने, या अगर मेरा वीडियो एकदम सक 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 बहुत फास्ट पेस्ड है तो मुझे किस तरीके से कट्स लगाने. तो ऑब्जर्व करते रहो कि आपके फेलो क्रिएटर्स या जिनको भी आप फॉलो करते हो वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या उनके वीडियो में है जो मुझे हुक कर रहा है, एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स इनटू योर ओन एडिटिंग. दैट्स ऑल. अच्छा, व्हाट डज योर वीडियो प्रोडक्शन प्रोसेस लुक लाइक? मतलब आपको एडिट करनी है एक वीडियो तो आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहता है? तो मैं एक्चुअली जब क्लाइंट के साथ बात कर रहा होता हूँ तो मैं रेट भी नहीं कोट करता हूँ बिना रॉ वीडियो को देखे. ओके. क्योंकि वीडियो में क्या पेस रखना हुआ है, कितने सारे एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे, एनिमेशन चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए. मतलब क्लाइंट इज कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ हिज ओन स्किल्स बट नॉट फ्रॉम द एडिटिंग बैकग्राउंड, तो उसको नहीं पता है कि कितना एफर्ट जाएगा एडिटर का. बट जब आप वीडियो देखोगे यू विल गेट टू नो के इसमें मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, देन यू विल गेट एन आइडिया कि मेरा कितना टाइम जाएगा, मेरा कितना एफर्ट जाएगा. तो उस पर डिपेंड करता है. तो हार्ड टू टेल के कितना टाइम लगेगा क्योंकि हर वीडियो हर अलग अलग वीडियो अलग अलग जिसमें ज्यादा एनिमेशन होगा ऑब्वियसली ज्यादा टाइम ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे. लेट्स से अंकुर की वीडियोज जो एडिट करता हूँ तो अंकुर की वीडियोज मोस्टली टॉकिंग हेड होते हैं, बहुत ज्यादा क्रेजी एनिमेशन नहीं होते हैं. तो बट मुझे अराउंड 7 to 8 hours लगते हैं एक वीडियो खत्म करने में, बिकॉज जनरली वीडियोस लंबे होते हैं 20 मिनट्स, तो टेक दैट मच टाइम. अच्छा ब्रो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरा अभी आपसे कि हाउ डू यू मेक दैट इंट्रो विच डिलीवर्स ऑन द टाइटल एंड थंबनेल? बिकॉज टाइटल एंड थंबनेल में हमने जो बात करी है वीडियो के शुरू के 5-7 seconds में वो बात नहीं हुई तो वो व्यूअर चला जाएगा, तो हाउ डू यू डिलीवर ऑन दैट प्रॉमिस एज एन एडिटर? तो दैट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ रिटेंशन एडिटिंग, जिसमें हुक सबसे अच्छा सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कि आप किस तरीके से ऑडियंस को इनिशियल मिनट्स में हुक कर लेते हो ताकि उसको पता हो कि हाँ आगे कुछ अच्छा आने वाला है. दैट जस्ट इनग्रेव द थ्योरी ऑफ एंटिसिपेशन. जब उसके माइंड में होता है कि आगे मुझे क्या मिलने वाला है वो मुझे पता है, बट एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता. उसके माइंड में है कि मुझे एडिटिंग से रिलेटेड सीखने को मिलेगा, मुझे इस लेवल के काम करने को मिलेगा, बट वो कैसे होगा वो आगे है. तो जब आप एंटिसिपेशन हुक करते हो तो ऑडियंस मुझे ऐसा लगता है कि बंद के रह जाती है. तो और जैसे मैंने बताया मैं भी खुद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो कभी मैं वीडियो का लास्ट का कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट या कुछ ऐसा पार्ट जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये तो काफी अच्छा बोला है किसी क्रिएटर ने और मुझे, तो मैं उसको आगे लगा देता हूँ. या इनिशियल जो कट्स लगाता हूँ एंड इनिशियल जो पेसिंग रखता हूँ वो बहुत फास्ट रखता हूँ ताकि ऑडियंस को थोड़ा सा लगे कि क्या चल रहा है ये और कुछ तो, और फिर समझने में थोड़ा सा टाइम लगे जहां तक वो एक पर्टिकुलर
लेवल ऑफ रिटेंशन वीडियो को मिल जाए, राइट प्लस ऑडियंस को समझ में आ जाए कि अच्छा वीडियो किस चीज के बारे में है, राइट कैसा पेज चल रहा है, तो उसके लिए आगे सीखने को है कि नहीं. दैट जस्ट मेक्स द फ्लो ऑफ द वीडियो, प्लस ऑडिट व्यूअर्स के लिए भी हो जाता है कि उनको पता है कि आगे वीडियो में क्या मिलने वाला है, उनको वीडियो पूरा देखना है कि नहीं देखना है. तो जो हुक वाला पार्ट है, जो कि रिटेंशन एडिटिंग का एक पार्ट है, वो बहुत जरूरी है. और उसके लिए भी मैं भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, फास्ट पेज लगा के, पीछे का कोई पार्ट आगे लगा के, स्टार्टिंग में वाली चीज दिखा के, अलग अलग. अच्छा भाई, जो हम बात कर रहे हैं अभी रिटेंशन की, सो ऑन अंकुश चैनल या फिर ऑन ऑल ऑफ योर एडिट्स, व्हाट हैव यू रियलाइज दैट कीप्स द ऑडियंस हुक्ड? किस किस चीज से बेस्ट रिटेंशन पॉसिबल है आपके ओपिनियन में, आपके एक्सपीरियंस में? तो कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है कि ये हैक है, इसको लगा दो एंड ऑडियंस एकदम रिटेन रख सकते हो. बहुत वीडियो को डायनेमिक होना चाहिए, तो जिस टोन में बात हो रही है वैसा बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा हो, साउंड इफेक्ट्स भी आ रहे हो. जूम इन जूम आउट से बहुत प्ले अराउंड करता हूँ मैं अंकुर के वीडियोज में और बाकी क्रिएटर्स के साथ भी, तो वो भी चीज चल रही हो. और अगर कुछ ऐसा है जिसको विजुअली दिखाया जा सकता है, तो स्क्रीन पे वो सब एलिमेंट्स भी आ रहे हो, जिससे कि जो चीज एक्सप्लेन करी जा रही है वो चीज केवल बोलते हुए नहीं, चीजें दिख भी रही हो, सुनाई भी पड़ रही हो. तो जब आप एक्सपीरियंस देते हैं ना, तो वो आई थिंक ऑडियंस को हुक करता है. तो पूरा एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए कोई सिंगल चीज से काम नहीं चलेगा, विजुअल भी होना चाहिए. क्रिएटर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से समझा रहा है, प्लस बाकी के जो फ्रेम में एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो म्यूजिक हो रहा है, जो साउंड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो पूरा डायनेमिक एक्सपीरियंस होता है. दैट आई थिंक हेल्प्स इन द रिटेंशन. अच्छा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड डिजाइन? सपोज करो कि तुम्हारे पास से कोई कार गुजर के गई, बट तुम्हें उसकी आवाज ही नहीं आई. तो मतलब तुम्हें बस दिख रहा है कि कितना एक कार निकल के गई, बट तुम्हारा साइट का सेंस तो है, वो यूज हुआ, बट तुम्हारा हियरिंग सेंस यूज नहीं हुआ. तो दैट जस्ट मेक्स द गेम बैड. इसलिए साउंड डिजाइन का मतलब, और इनफैक्ट केवल साउंड डिजाइन भी नहीं, हर एक चीज का अगेन एक्सपीरियंस डिलीवर करने का बेस्ट मेथड है कि जितने ज्यादा सेंसेस हो सके वो यूज करने का कोशिश करो. तो जैसे हम लोग 3D में देखते हैं, तो उसमें अगेन वो ऐसे सामने दिख रहा होता है, देन 4D, 7D, 10D उसमें वो फील भी हो रहा होता है, तो वो टच सेंस भी यूज होता है. तो अगेन जितने ज्यादा सेंसेस यूज इंगेज कर पाओगे आप व्यूअर्स के, उतना बेटर एक्सपीरियंस उसको मिलेगा, एंड देन दैट हेल्प्स इन बेटर रिटेंशन. तो अब यूट्यूब में अपन 3D या 7D तो नहीं लगा सकते, बट इट्स गुड कि जो चीज विजुअली दिख रही है उसके साउंड इफेक्ट्स भी आ रहे हो, जिससे कि साइट के साथ साथ हियरिंग एक्सपीरियंस भी ऑडियंस को मिल पाए. अच्छा भाई, एक बात बताओ कि हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब? ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि यूट्यूब पे हमारे व्यूज ज्यादा आए? तो मैंने कॉर्पोरेट जो कंपनी है उनके साथ भी काम किया है कुछ कुछ, और एंड ऑन यूट्यूब एज वेल. तो द डिफरेंस इज कि यूट्यूब पे रिटेंशन एडिटिंग सबसे ज्यादा फोकस करी जाती है. कैसे अपना एवीडी बढ़ा सकते हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, कैसे ऑडियंस को होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज वो फिर यूट्यूब के एल्गोरिदम में दैट जस्ट वर्क इन द बेस्ट मैनर एंड पुशेस द वीडियो. तो यूट्यूब की एडिटिंग इसी चीज में डिफरेंट है कि रिटेन मतलब आपको हर एक चीज जो भी लगानी है वीडियो में, वो इस माइंडसेट से कि मैं कैसे रिटेन कर सकता हूँ ऑडियंस को. जब आप मूवी देखने जाते हो सिनेमा में, तो मूवी की जो एडिटिंग होती है वो कुछ खास नहीं होती है, वो बहुत स्लो पेस, मतलब उनको जैसे भी चलानी है मूवीज जिस भी बिल्कुल लेवल पे, जिस भी पेस में वैसे चलती है. तो एक जोन होएगा, मे बिल्कुल बी स्टार्टिंग में कुछ गाना वाना आके थोड़ा सा हुक किया, देन नॉर्मल स्टोरी बिल्ड करी, देन लास्ट में क्लाइमैक्स आया. बट यूट्यूब में उल्टा हो जाता है. तो यूट्यूब में स्टार्ट में हुक करना होता है, एंड देन धीरे धीरे करके पेज डाउन. स्टार्ट में हुक किया तो ऑडियंस बनी हुई है कि वीडियो में क्या होने वाला है देखने मिलेगा, एंड देन धीरे धीरे करके जब एक्सप्लेन हो रही है टॉपिक या चीज जो भी, उसके साथ एडिटिंग का पेज धीमा होता जाता है, क्योंकि जो ऑडियंस हुक हो गई है उस पार्ट ऑफ टाइम में, उसको फिर पता है कि उसको वीडियो में क्या मिलने वाला है. तो अगेन उसको हुक करने की जरूरत नहीं होती है, उसको बस जो चीज आप डिलीवर करने वाले हो वीडियो में वो समझाना होता है, और उसको पता है कि उसको क्या मिलेगा. बट मूवी में एक कर्व जो होता है वो ऐसा होता है कि स्टार्ट में बिल्ड हुआ, स्टोरी बिल्ड हुई, देन नॉर्मल स्टोरी चल रही है, एंड देन लास्ट में क्लाइमैक्स. यूट्यूब में उल्टा, स्टार्ट में हुक किया एंड देन नॉर्मल पेस पे वापस गया. तो कोई हैक नहीं है कि कैसे यूट्यूब पे ज्यादा व्यूज आ सकते हैं, बट एडिट का रोल इतना ही है कि कैसे ऑडियंस को होल्ड करके रखा जा सकता है.
अच्छा भाई, आपने अंकुर के लिए जो वीडियोस एडिट करी हैं उनमें से आपके कोई कुछ चीज़ सीखी हो, या कोई आपने बेस्ट परफॉर्मिंग इनसाइट से कुछ आपने नोटिस करा हो? अच्छा हाँ, दिस थिंग आपको लगा नहीं था कि ऐसा काम कर सकता है, बट उसने एक सरप्राइजिंग रिजल्ट दिया हो आपको और अंकुर चैनल, ऐसा कोई एग्जाम्पल? तो जब तो मैंने एक्चुअली जब ज्वाइन किया था अंकुर को, तो मैं उनके इंस्टाग्राम का कंटेंट एंड उनके एड्स एडिट करता था. बट कुछ टाइम के बाद ये तो एक और एडिटर भी है टीम में, एंड कुछ टाइम के बाद हम दोनों के रोल्स स्विच हुए. तो अब वो इंस्टा का कंटेंट देखता है एंड मैं यूट्यूब का. तो जब वो स्विच हुआ था, उसके पहले तक मैं भी जो अंकुर की एडिटिंग फॉलो करता था, इनफैक्ट ज्वाइन करने से पहले भी, कि बहुत मिनिमल सटल सी एडिटिंग रहती थी. एंड देन मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था, तो मैंने स्टार्ट किया सटल रखने का. देन धीरे 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 करके एक्सपेरिमेंट करते करते, तो ओवर टाइम मैंने देखा कि जब ये स्विच हुआ था, उस टाइम पे जब मैं धीमे धीमे कुछ एक्सपेरिमेंट करता था, कहीं पे फास्ट पेस कर दिया, कहीं पे हैवी साउंड इफेक्ट्स और वैसा लगा के, तो देर आर लॉट ऑफ कमेंट्स कि कुछ अलग एडिटिंग दिख रही है, विजिबल है, ये है वो है. अच्छा हाँ, ओके तो दैट जस्ट मतलब ऑडियंस को पता चल जाता है कि कुछ तो अलग एक्सपीरियंस है. तो अभी एक अलग स्टाइल ऑफ एडिट पकड़े हुए थे, देन अब स्विच हुआ है तो अलग, मे बी कभी और अलग. तो वही मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई क्रिएटर की एक सर्टेन पर्सोना है और केवल उसको ही फॉलो कर सकते हैं. धीमे धीमे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए एंड देन देखना चाहिए क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. अगर वो वर्क नहीं किया उसको हटा दो, एंड देन अगर वो वर्क किया तो उसको रख लो. अभी अब हमने एक मॉर्निंग रूटीन का वीडियो किया था, विच इज अ व्लॉग काइंड ऑफ वीडियो, जिसको तो ये मेरा शायद मतलब मैं व्लॉग्स में ज्यादा एडिट नहीं करता हूँ, व्लॉग्स इन जनरल में एडिट नहीं करता हूँ. तो ये मेरा दूसरा या तीसरा व्लॉग था जो मैंने एडिट किया, एंड दैट वॉज जस्ट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. बट तो मैंने देखा कि व्लॉग्स में अच्छा स्टार्ट में बहुत स्लो स्टार्ट हुई, बट बीच में हुक आया तो वहां पे फास्ट कट्स लगाने हैं, फास्ट कट्स लगाने हैं, ये सब चीजें. देन वीडियो का पेस स्लो हुआ, देन अप हुआ, तो ये कुछ कुछ चीजें जो कर्व्स रोटेट हो रहे थे, हुक कर रहे थे ऑडियंस को, चीजें वर्क करती हैं. तो ओवर टाइम चीजें एक्सपेरिमेंट जितना करते जाओगे उतना पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर क्रिएटिव के लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एंड देन जो काम कर रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड कर. मेरी पिछली वीडियोस में ना काफी कमेंट्स आए कि ये एडिटर्स कितना कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप नंबर्स तो मत बताओ, बट एक रेंज आप बता सकते हो कि आप कितना कमा रहे हो ओनली वर्किंग विद अंकुर? ईयरली, क्योंकि बोनस हर क्वार्टर वेरी करता रहता है, बट ईयरली अराउंड 12 to 15 LPA केवल अंकुर का.